तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्ला मुजाहिद ने पाकिस्तान को तालिबान का दूसरा घर बताया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज टीवी के मुताबिक मुजाहिद ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान दूसरा घर है और अपने घर के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। ARY न्यूज टीवी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में मुजाहिद ने अफगानिस्तान में चरमपंथी संगठनों की उपस्थिति, कश्मीर और इस्लामिक स्टेट से लेकर भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी अपनी राय रखी। मुजाहिद ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा, हम अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, इस संबंध में हमारी नीति स्पष्ट है, दाएश यानी ISIS की अफगानिस्तान में कोई मौजूदगी नहीं है। तालिबान इससे पहले कई मौकों पर कह चुका है कि वो अपनी जमीन पर चरमपंथी तत्वों को सक्रिय नहीं होने देगा, लेकिन चीन समेत दुनिया के कई मुल्क इस दावे को संदेह की नजर से देखते हैं। मुजाहिद ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी विवाद पर कहा है कि दोनों देशों को एक साथ बैठकर ये मसला सुलझा लेना चाहिए। मुजाहिद ने कहा, पाकिस्तान और भारत को बैठकर अपने पुराने सभी मामलों को हल कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार को विवादित इलाके को लेकर सकारात्मक रुख रखने की जरूरत है। इसके अलावा आने वाले समय में भारत के साथ संबंधों पर मुजाहिद ने कहा है, तालिबान चाहता है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बनाए। इस बीच रेडियो पाकिस्तान ने बताया है कि तालिबानी नेता शहाबुद्दीन दिलवर ने 30 लाख अफगान शरणार्थियों को शरण देने के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान सभी देशों के साथ आपसी सम्मान के आधार पर शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। तालिबान के कई बड़े नेताओं के संबंध पाकिस्तान से हैं। तालिबान को चलाने वाली क्वेटा शूरा भी बलूचिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की पिछली सरकार खुले तौर पर तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात कहती आई है। तालिबान के कई वरिष्ठ नेताओं ने कथित तौर पर पाकिस्तानी शहर क्वेटा में शरण ली थी, जहां से उन्होंने तालिबान का मार्गदर्शन किया। इसे क्वेटा शूरा करार दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान इसके अस्तित्व से इनकार करता रहा है। उस सरकार के कई मंत्री और उच्च अधिकारी तालिबान की बढ़ती ताकत के पीछे पाकिस्तान की अहम भूमिका के बारे में बातें करते रहे हैं, लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में कई तरह के अंदेशे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक काबुल पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित होने के बाद अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई चरमपंथियों को रिहा कर दिया गया है। तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान तालिबान की स्थापना दिसंबर 2007 में 13 चरमपंथी गुटों ने मिलकर की थी। TTP का मकसद पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन कायम करना है। पाकिस्तान तालिबान का पाकिस्तान की सेना से टकराव बना रहता है। कुछ वक्त पहले संगठन के प्रभाव वाले इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी को बुरी तरह पीटने की खबरें सामने आई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोनों देशों को अलग करने वाली डूरंड रेखा पर भी विवाद है। तालिबान पर इसका क्या रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा।